सो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट कॉन्ग्रेंसी लेट अस फर्स्ट डिस्कस की कॉन्ग्रेंसी होती क्या है देखो देखो कॉन्ग्रेंसी क्या होती है कि जैसे तुम्हारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं बट कुछ कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स के कारण उनको एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है ठीक है तो वो क्या होते हैं इकट्ठे अक्कर करते हैं राइट अब देखो ट्रांजिशन कॉन्ग्रेंसी ट्रांजिशन कॉन्ग्रेंसी क्या है कलेक्शन ऑफ स्टेट डायग्राम वन फॉर ईच पार्ट ठीक है मतलब क्या है स्टेट स्टेट डायग्राम फॉर एन असेंबली इज ए कलेक्शन ऑफ स्टेट डायग्राम अब एग्रीगेशन क्या है एग्रीगेशन जैसे फॉर एन एग्जाम्पल जैसे हमें यहाँ पे कार दिखाई गई है यहाँ पे क्या है कार इग्निशन ट्रांसमिशन एक्सलरेटर देन ब्रेक ये किसी के ही पार्ट है राइट right? ये इसी का ही पार्ट है सो so ये चीज क्या है ये चीज तुम्हें बता रही है एग्रीगेशन ये ऐसे डायमंड से, से रिप्रेजेंट हुई है कि हाँ ये होल पार्ट रिलेशनशिप है कि ये जो है इससे पार्ट से बन रहा है ओके ये तुम्हें तो क्लैरिटी मिली ओके अभी हम पहले पढ़ते हैं एग्रीगेशन के बारे में ठीक है एग्रीगेशन एंड कॉन्ग्रेंसी के बारे में सी ये तुम्हारी तो पूरी की पूरी डायग्राम जो है इन्होंने यहां पे प्रोवाइड की हुई है देखो ये एग्रीगेशन है जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया जिसमें इग्निशन ट्रांसमिशन एंड एक्सलेटर एंड ब्रेक ड्यू टू कंस्ट्रेंट ये सभी एक दूसरे के साथ रिलेटेड है तो हम क्या है इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं नेस्टेड स्टेट डायग्राम से अब पहले हमने क्या कर दिया इग्निशन इग्निशन को रिप्रेजेंट किया इग्निशन को रिप्रेजेंट किया उसको कैसे करेंगे देखो जब भी हम कार को स्टार्ट करते हैं पहले क्या फ्यूल बर्न होता है राइट तो पहले तो ऑफ था ये ठीक है देन ट्रांसमिशन हुई ट्रांसमिशन न्यूट्रल थे ये गार्ड कंडीशन उन्होंने लगा दी कि ट्रांसमिशन न्यूट्रल था पहले पहले कुछ नहीं ऑन था राइट right? अगर कुछ नहीं ऑन था वो स्टार्टिंग स्टेट में जाएगा जब हम टर्न की को टर्न करेंगे राइट टू स्टार्ट देन जब की को रिलीज किया ये ऑन हो गया और जब की को ऑफ किया ये ऑफ हो गया राइट right? अब ट्रांसमिशन के बारे में थोड़ा बताएंगे ट्रांसमिशन का क्या, क्या है देखो पहले क्या था ये न्यूट्रल गियर में था इसको फॉरवर्ड पुश किया ये रिवर्स में आ गया ठीक है फिर एन पुश किया ये रिवर्स में आ गया अगर मैं पुश फॉरवर्ड करूँगी उसकी एक और हमने नेस्टेड स्टेट बता दी हुई है या फिर हम इसको फॉरवर्ड पुश करके फिर से न्यूट्रल में भी लेके आ सकते हैं ठीक है जब हमने इसको फॉरवर्ड में पुश किया तो देखो ये क्या है पहले फर्स्ट गियर जो है वो किया ठीक है उसको अपशिफ्ट किया अब शिफ्ट करके सेकंड गियर में चला गया फिर अब शिफ्ट फिर थर्ड गियर जब डाउन शिफ्ट किया फिर सेकंड में वापस आ गया फिर ऐसे फर्स्ट में वापस आ गया राइट right? अब एक्सलरेटर का क्या है पहले ऑफ स्टेट में था अब उसको डिप्रेस किया ठीक है अब उसको ऑन on... डिप्रेस में उसको प्रेस किया ठीक है फिर उसको ऑन किया देन उसको रिलीज कर दिया वो ऑफ हो गया ऐसे ही ब्रेक्स का है उसको डिप्रेस करोगे ऑन हो जाएगी रिलीज करोगे ऑफ हो जाएगी तो ये तुम्हारा टोटल एग्रीगेशन के बारे में इन्होंने बताया हुआ है ठीक है कि कैसे एग्रीगेशन अगर वो कॉन्ग्रेंट स्टेट डायग्राम्स बनाती हैं ठीक है तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं नेस्टेड फॉर्म में आई होप इट इज क्लियर ओके अब ये जो था हमारा कॉन्ग्रेंसी विद अ कॉन्ग्रेंसी विद इन एन ऑब्जेक्ट ठीक है अब ये कैसे है देखो अब सिंक्रोनाइजेशन ऑफ कॉन्ग्रेंट एक्टिविटीज में ही आएगा कि हम कैसे सिंक्रोनाइज कर सकते हैं कॉन्ग्रेंट एक्टिविटीज़ को कॉन्ग्रेंट एक्टिविटीज़ क्या होती हैं कि जो इकट्ठे होती हैं एक टाइम पे ठीक है अब जैसे ये एग्जाम्पल है तुम्हारे पास ठीक है ये कैश डिस्पेंसर है ठीक है कैश डिस्पेंसर मतलब कि जैसे सपोज ए समझ लो ठीक है एटीएम है तुम्हारे पास अब पहले तो उसकी सेट से, सेटअप करोगे उसको वो रेडी हो जाएगा ये जो फॉक होता है ये ब्रेक करने के लिए यूज होता है ऑब्जेक्ट को ठीक है अब ये देखो ये दोनों चीजें इकट्ठी हो रही हैं ये डू एक्टिविटी है डू एक्टिविटी मतलब जो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अक्कर होगी ठीक है पर्टिकुलर इंटरवल के लिए अब ये अक्कर होगी अब इसमें क्या है डिस्पेंस कैश करेगी और ये ओवर हो जाएगा इवेंट ठीक है फिर ये डू एक्टिविटी इजेक्ट कार्ड मतलब तुम तुम्हारा जो है तुम कैश भी उस टाइम पे डिस्पेंस कर रहे हो और कार्ड भी उस टाइम पे डिस्पेंस मतलब इजेक्ट कर रहे हो तो ये दोनों एक्टिविटीज इकट्ठे होकर हो रही हैं तो इनको कहते हैं कॉन्करेंट एक्टिविटीज ठीक है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ कॉन्करेंट एक्टिविटीज देन ये जो स्टेट है ये क्या हो जाएगी तुम्हारी रेडी टू रीसेट आई होप इट इज क्लियर टू यू तो ये होती है तुम्हारी सिंक्रोनाइजेशन ऑफ कॉन्करेंट एक्टिविटीज़ सो गाइज प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉलो माई इंस्टाग्राम हैंडल इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो